टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर के विधायक और पूर्व वाणिज्य कर मंत्री बजेंद्र सिंह राठौर ने भाजपा पर कोरोना वायरस फैलाने और किसानों की अनदेखी सहित कई गंभीर आरोप लगाए। पृथ्वीपुर विधायक और पूर्व वाणिज्य कर मंत्री बजेंद्र सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के टीकमगढ़ प्रवास के दौरान भाजपा के नेताओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने सहित भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना के सारे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, अस्पतालों में दवाई नहीं है और मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी है। इस ओर सरकार ध्यान न देकर मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में अपने प्रचार प्रसार की ओर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि टीकमगढ़ जिला सहित बुंदेलखंड के जिन जिन जिलों और तहसीलों में सूखा पड़ा हुआ है, यह बात विधानसभा सत्र में सरकार के सामने प्रमुखता से उठाऊंगा, जिसमें किसानों को सूखा राहत मिल सके। मोहनगढ़ से अब्दुल शुक्ला की रिपोर्ट। चुनाव लड़ रही है, प्रदेश का विकास और जन कल्याण मुद्दा है। जनता पार्टी सभी 27 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। 15 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल जनता ने अपनी आंखों से देखा भी है, भुगता भी है, सहा भी है। जब कांग्रेस के जो मित्र थे वही घबरा गए हैं और पार्टी छोड़ के इस्तीफा दे के आ गए। आमजन की कल्पना ही की जा सकती है। हम केवल एक ही काम में लगे हैं, एक एक करके सारी योजना भारतीय जनता पार्टी के समय की का पूरा समर्थन मिल रहा है और हमको बुधाई स्टील प्लांट से आवश्यक गैस की ऑक्सीजन की आपूर्ति कर दी जाएगी। भविष्य में भी इस जरूरत को हम पूरी कर सकें, इसलिए हम होशंगाबाद जिले के मोहासा में एक कंपनी ने प्रस्ताव दिया ऑक्सीजन प्लांट डालने का, हम वो भी प्रारंभ कल्याणकारी बंद कर दी थी। आके हमने फिर से उन योजनाओं को प्रारंभ किया है। विकास का जो पहिया था वो थम गया था, अब फिर से विकास को गति देना प्रारंभ किया है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो कल ही 37 लाख ऐसे गरीब भाई और बहन जो राशन से वंचित थे, हमारी योजना थी उनको राशन देने की, कमलनाथ सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दी थी। कल से 37 लाख ऐसे भाई बहनों को 1 रुपया किलो गेहूँ और 1 रुपया किलो नमक देना प्रारंभ किया जाएगा। माननीय मोदी जी का जन्मदिन है 17 तारीख को, अध्यक्ष जी ने अभी बताया पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही। हम आंगनबाड़ियों में 17 तारीख को अति कुपोषित बच्चों को दूध का वितरण प्रारंभ कर रहे हैं और उसके साथ साथ लाडली लक्ष्मी योजना जो कांग्रेस ने बंद की थी उसका लाभ देना प्रारंभ कर रहे हैं। 18 तारीख को 20 लाख किसानों के खाते में 4,600 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के डाले जाएंगे। इसके बाद 19 तारीख को वनाधिकार के पट्टे वितरित किए जाएंगे। 20 तारीख को हमारे सभी भाई और बहनों को जो पात्रता रखते हैं हम संबल योजना का लाभ भी दे रहे हैं, अन्य बाकी योजनाओं का लगातार लाभ देने का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। अब जो सब चीज़ें कांग्रेस ने बंद कर दी थी वो फिर से हमने प्रारंभ की है और जनता का प्यार और आशीर्वाद। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, केवल टीकमगढ़ का सवाल नहीं है, चाहे बड़ा बनहरा की मीटिंग हो, चाहे मुगावली की हो, चाहे मुरैना की हो, चाहे ग्वालियर के कार्यक्रम, मजाक बना रखा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने और उनके सभी साथियों ने आम आदमी से कहते हैं कि नियमों का पालन करो, खुद नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और आज जो मध्य प्रदेश में कोरोना फैल रहा है या जो लोग मारे जा रहे हैं उसके लिए अगर मुख्य रूप से कोई जवाबदार हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही जवाबदार हैं, जो मजाक जनता का बना रहे हैं और खुद कुछ भी जो मर्जी आए वो कर रहे हैं। सर, जिन लोगों को या जो कोरोना पेशेंट हैं, ऐसा जनता का कहना है कि उनको क्वारंटाइन तो कर दिया जाता है मगर ना तो कोई सुविधा मिलती है और ना ही किसी प्रकार की दवाई दी जाती है। देखिए, आप क्वारंटाइन जो लोग अस्पताल में हैं उस पर तो मैं रहा नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि 15 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 10 वर्ष से ऊपर तक स्वयं मुख्यमंत्री जी यही शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। आज लंबी लंबी बातें करते हैं, फर्जी घोषणाएं कर रहे हैं, फर्जी शिलान्यास कर रहे हैं केवल वहां पर जहां पर उपचुनाव होना है। 15 वर्ष तक
अस्पतालों की व्यवस्था ठीक क्यों नहीं की गई। 15 बरस तक हमारे प्रदेश में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की वजह से हमारे लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं। तो ये कथनी और करनी का अंतर जो है अब इनका सामने दिख रहा है। इन्होंने ना तो स्वास्थ्य की सुविधाएं की, ना डॉक्टर हैं, ना दवाइयां हैं, ना अस्पताल की अन्य बेसिक व्यवस्थाएं हैं, बल्कि कोरोना के नाम के ऊपर लूट बचा रखी है। जो सामान खरीदा गया वो दुगने और तिगने रेट के ऊपर खरीदा गया। ना तो बहनें खुश हो पाई, ना भांजी भांजियाँ खुश हो पाई। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मध्य प्रदेश में बना है और ऐसा डर पैदा हो गया है कि अपने आप को आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है। देखिए, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उधर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अच्छे दिन आ चुके हैं, इधर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन गया, और बड़ी बड़ी लंबी बातें हैं कि हिंदुस्तान के किसी आदमी को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। इधर जो है मामा जी कहते हैं कि अपने आप को मामा जी घोषित करके कोई बेटी बेटी को किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। हमने आपने सबने देखा है, हजारों किलोमीटर पैदल चल के मजदूर आए दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से और तमाम अलग अलग प्रदेशों से। कोई सुख लेने वाला उनका नहीं था, कोई सुख चिंतक नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने जब सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अपनी तरफ से बसें लगाने की व्यवस्था की और उनकी लड़ाई लड़ना शुरू की, तब सरकार आके जीती और उनकी व्यवस्थाएं की। लेकिन उस बीच में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई, जिनके बच्चे मारे गए, दर दर की ठोकर उन्होंने खाई इस उम्मीद के साथ कि किसी तरीके से हम अपने घर पहुँच जाएँ। आज जब वो अपने घर पर आए हैं तो सब दिमाग दिखाया गया था कि उनको कोई काम की कमी नहीं होगी, और वही मनरेगा जिसके मजाक उड़ाते थे ये लोग, आज वही मनरेगा काम आ रहा है। और दुख के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि आज फिर से पलायन शुरू हो गया। हमारे विधानसभा से, हमारे जिले से कई लोग पलायन करके जा रहे हैं, और यहाँ जो काम खोले जाते हैं बगैर पैसे के, बगैर लेन देन के कोई काम मंजूर नहीं होता, और लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी को नया हेलीकॉप्टर खरीद के चारों तरफ घूमने के अलावा कोई समय नहीं है, केवल फर्जी घोषणाएँ, फर्जी बातें, फर्जी शिलान्यास और फर्जी तरीके से अपने सारे काम करते हैं। देखिए, पृथ्वीपुर और मोहनगढ़ तहसील का प्रश्न जैसे आपने उठाया है, निश्चित रूप से यहाँ तक जो है फसलें साफ हो गई। सूखा पहले पड़ा था तब फसलें साफ हुई, उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला। अभी जो है वो पानी नहीं बरसा जिसकी वजह से फसलें साफ हो गई, उसका भी कोई मुआवजा नहीं मिला। बिजली के बिल जो है जहाँ 100 रुपये में 100 यूनिट हम दे रहे थे, आज हमारे रैकवाल समाज की कुछ महिलाएं आई थी 60-60 हज़ार रुपये का बिल लिए घूम रही। तो मतलब चारों तरफ लूट बची हुई है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। विधानसभा में पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को हम उठा ही रहे हैं, और केवल पृथ्वीपुर विधानसभा का नहीं उठा रहे हैं, हम तो टीकमगढ़ जिला, निवाड़ी जिला और बुंदेलखंड के जहाँ जहाँ सूखा पड़ा है पूरी जगह की बात को हम उठा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पता है कि ये कान में रुई डाल के सरकार बैठी हुई है, और ये संयोग ही है कि पिछले बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यही मुख्यमंत्री थी, तब भी सूखा पड़ा था, और बीच में जब कांग्रेस की सरकार आई अच्छी एक साल बारिश हुई थी, लोग खुशहाल हुए थे, और दोबारा जैसे ये आए और दोबारा सूखा पड़ा, तो भगवान भी देख रहा है कि अगर तुम जनता के साथ अन्याय कर रहे हो तो भगवान भी उनके साथ नहीं चल रहा है। और आने वाले 2 महीने के अंदर आप देखना सारी परिस्थितियाँ बदलने वाली हैं, और जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी इस हम अपना जाँच भी कराएंगे, और जो किसानों का नुकसान हुआ है उनको मदद करने का पूरा काम भी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।